हेलो एवरीवन एक और क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये जून 2011 में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का तो देखिए क्वेश्चन क्या है लेट एफ डी टू डी बी ए होलोमोर्फिक विद एफ जीरो इक्वल टू वन एंड एफ वन बाई टू इक्वल टू जीरो वेयर डी इक्वल टू जेड जेड मॉड जेड लेस देन इक्वल मतलब एक डिस्क गिविन है यहाँ पर विद सेंटर जीरो एंड रेडियस वन ओके क्लोज्ड एक डिस्क गिवन है क्योंकि ग्रेड वन इक्वल टू आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट चार ऑप्शन यहां पर गिवन है बेसिकली ये ये क्वेश्चन जो है वो स्वाज लेमा पे बेस्ड है स्वाज पिक लेमा पे बेस्ड है ठीक है तो स्वाज पिक लेमा के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या होता है हमारे पास क्या होती है लेमा हमारे पास स्वाज लेमा क्या कहता है तो क्लेमा कि एफ डैस किसी भी नंबर पे अगर हम जीरो फाइंड फाइंड करें जीरो ऑफ लेस देन और इक्वल टू होता है माइनस हम पे कर रहे हैं क्योंकि फंक्शन में जीरो है इस वजह से जो भी पॉइंट होगा उसी पे फाइंड कर सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एट जीरो स्क्वायर अपॉन वन माइनस जो भी पॉइंट है जीरो ओके okay. तो इसका मतलब क्या हो गया यहां से कि एफ डैस जीरो लेस देन इक्वल टू वन माइनस एफ जीरो की वैल्यू कितनी गिवन है यहां पर फंक्शन में एफ जीरो एफ जीरो का मतलब है वन बाई टू तो ये हो जाएगा वन बाई टू का स्क्वायर माइनस वन माइनस जीरो विच इज इक्वल टू एफ डैस जीरो आ जाएगा यहां से एफ जीरो की वैल्यू वन बाई टू थी तो ये हो गया कितना सॉल्व होने के बाद वन माइनस वन अपॉन फोर तो ये हो गया हमारे पास कितना फोर माइनस वन थ्री बाई फोर ओके तो ये हो गया हमारे पास थ्री बाई फोर एफ डैस जीरो थ्री बाई फोर इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट ओके okay. नाउ अब दोबारा से पिक पिक्लेमा इसी लगाते हैं एफ डैस निकालते हैं किस पे वन बाई टू मॉडल लेस देन इक्वल टू वन माइनस एफ ऑफ का स्क्वायर अपॉन वन माइनस वन बाई टू का स्क्वायर ओके विच इज Minus, ये कितना हो जाएगा फिर से वन बाई टू पेल्यून है पे है ओके okay? तो one one यहां देख रहे हैं ना आप ये जीरो की एफ वन बाई टू की वैल्यू इस डोमेन में जीरो की विन है तो हमने ये पुट कर दिया इक्वल कितना हो जाएगा थ्री बाई फोर मतलब फोर बाई थ्री तो एफ 1 by 2 की वैल्यू कितनी आ गई से फोर बाई थ्री ओके सो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया हमारे पास ओके okay? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया बी ऑप्शन करेक्ट हो गया एंड सी भी यही है एफ जीरो की वैल्यू साइम मतलब ये कहा कि एफ एफडेस जीरो पे लेस देन इक्वल टू थ्री बाई फोर एंड एफ डेस वन बाई लेस इक्वल टू फोर सो ऑप्शन डी इज आल्सो सॉरी ऑप्शन सी इज आल्सो करेक्ट नाउ अब हम डी ऑप्शन की बात करते हैं फॉर ऑप्शन डी क्या करते हैं हम एफ जेड इक्वल टू यहाँ पे z कह रहा है तो एफ वन बाई टू इक्वल टू कितना आना चाहिए हमारा एफ वन बाई टू कितना है f की f वन बाई टू कितना है जीरो ठीक है लेकिन ये कह रहा है कि एफ वन बाई टू जो है वो वन बाई टू के बराबर आना चाहिए क्योंकि एफ z इक्वल टू जेड सिंस एफ z इक्वल टू जेड ओके जबकि z d से आता है d से तो आ रहा है z 1/2 ठीक है यहाँ पर लेकिन ये तो 0 के बराबर आ रहा है जबकि ये कह रहा है ये 0 के बराबर है जबकि ये कह रहा है कि मतलब f 1/2 1/2 के बराबर आना चाहिए जबकि 0 के बराबर है लेकिन 0 सॉरी मैंने यहाँ पे इसको नहीं यहाँ पर कैंसिल करना है इसको यहाँ पर कैंसिल करना है 0 नॉट इक्वल टू 1/2 ओके सो d ऑप्शन रॉन्ग सो ऑप्शन a